देर रात तक चला ताजियों का शहर गश्त। अखाड़ों में नौजवानों ने दिखाया अपना हुनर, पुलिस व्यवस्था रही चाक चौबंद। देश भर में शहादत का पर्व मुहर्रम बड़ी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। मुहर्रम की 9वीं तारीख के मौके पर ताजिए व अखाड़े शहर गश्त पर निकले। अखाड़ों में नौजवान ने बेहतर हुनर दिखाया। दमोह में भी ताजिए व अखाड़े जुलूस के साथ नगर भ्रमण करने नगर के मुख्य मार्गों से निकले और देर रात तक अखाड़ों का दौर चलता रहा। इस बार दमोह में मुहर्रम पर्व बड़ी शिद्दत से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पहले से अखाड़ा कमेटी ने कर ली थी। तो वहीं मुहर्रम की 9 और 10 तारीख की जिला और पुलिस प्रशासन ने भी अच्छे इंतजाम किए हैं। प्रतिवर्षानुसार इस बार भी दमोह के ताजिया सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नगरपालिका के द्वारा विद्युत की अच्छी व्यवस्था की गई है, सड़कों के गड्ढे भरवाए गए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस के द्वारा एसपी महोदय के द्वारा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। कलेक्टर महोदय के द्वारा मजिस्ट्रेट टीम भी लगाई गई है। हमारे 5 मजिस्ट्रेट पूरे इस जुलूस मार्ग पर लगाए गए हैं, जिससे त्यौहार में कोई हरमसर कोई विवाद की स्थिति न बने, त्यौहार शांतिपूर्ण सम्पन्न हो जाए, इसके लिए पूरे प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किए गए। आज 9 मुहर्रम शहादत की रात है और आज गली मोहल्ले का अखाड़ा और गली मोहल्ले अखाड़े के साथ ताजिया, पंचायती ताजिया जो है वो साथ में चलेंगे। इसमें नूरी नगर का अखाड़ा भी होगा, भिलवारी मोहल्ले का होगा और ये अखाड़े सब पठानी मोहल्ले पहुँचेंगे। वहाँ से पुराना बाजार, बैदरा मोहल्ला, पठानी मोहल्ला, तकिया मोहल्ले, तमाम अखाड़े और ताजिए साथ होकर से अर्गस्त करेंगे, वापस अपने मुकाम पर जाएंगे। फिर कल ठंडा होने के लिए कर्बला के मैदान जाएंगे।